हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है करिमा। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी पैनासोनिक कॉर्डलेस KX TG3611, जिसमें मैंने करके दिखाई थी उसकी अनबॉक्सिंग और कुछ उसके बेसिक फीचर्स बताए थे। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में, मतलब कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं दिखाऊँगी 3611 के सारे फीचर्स, जैसे कि आप किस तरीके से इसमें रिंगटोन चेंज कर सकते हो या उसकी वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। जैसे हम अपने मोबाइल में डेट एंड टाइम सेट करते हैं, किस तरीके से हम अपने कॉर्डलेस के अंदर भी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, और फ़ोन बुक कैसे सेट कर सकते हैं, और अगर फ़ोन घूम जाए तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये सारे फीचर्स दिखाने से पहले आपको एक छोटा सा हमारा काम करना होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनके घर भी अगर नेटवर्क इशू आता होगा तो वो भी हमारे से कॉर्डलेस परचेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से ये फ़ोन आता है। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसकी सारी अनबॉक्सिंग करके दिखाई हुई है। क्या क्या एसेसरीज हमें कॉर्डलेस के साथ मिलती हैं वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है अनबॉक्सिंग की रिक्वायरमेंट है देखने की, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये आता है हैंडसेट और ये आता है बेस। मेन चीज़ें हमें ये दो चाहिए होती हैं, और साथ में एक चार्जर आता है इसके। हैंडसेट के अंदर मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये पीछे यहाँ पर एक कवर दिया हुआ, जैसे हमारे किसी भी रिमोट में दिया होता है, लाइक टीवी के रिमोट हो गया या एसी का रिमोट हो गया। यहाँ पर हम लगाते हैं पैनासोनिक की ओरिजिनल बैटरीज, जो कि हमें नए बॉक्स के अंदर ही मिलती हैं। अब हम बात करते हैं हैंडसेट के फ्रंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा स्पीकर फोन, उसके बाद आएगा 0.76 सेंटीमीटर की स्क्रीन। अगर मैं बात करूँ कि स्क्रीन साइज़ की, तो स्क्रीन साइज़ एक डिसेंट स्क्रीन साइज़ है। उसके बाद आएगा मेन्यू का बटन, फिर आएगा टॉक, फ़ोन उठाना है तो हमें यहाँ से उठाना है, फ़ोन काटना है तो ऑफ से उठाना है। अगर फ़ोन पे हमें स्पीकर ऑन करना है, कभी आपको लगता है कि स्पीकर से हमें बात करनी है, तो हमें ये प्रेस करना पड़ेगा स्पीकर का बटन, और अगर हमें रीडायल करना है तो हमें इस वाले बटन से रीडायल करना होगा। अब हम बात करते हैं, ये कीपैड आता है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स हमारे दोनों साथ में आते हैं, तो इसीलिए हम इसे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। बीच में एक बटन है जिससे हमें वॉल्यूम प्लस माइनस या हमें कुछ भी चीज़ राइट लेफ्ट, एक बेसिकली एक स्क्रॉलर दिया हुआ है, आपको राइट लेफ्ट एंड अप डाउन आप इससे कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन्यू पर। मेन्यू को अगर मैं प्रेस करूँगी तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर नाइट मोड। नाइट मोड के अंदर अगर आप सेटिंग्स कुछ भी चेंज करना चाहते हो, नाइट मोड जैसे ही हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट का बटन दिया हुआ है। सेलेक्ट करते ही वो पूछेगा कि यहाँ पर आप डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करो। डेट एंड टाइम के लिए मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले आपको इसकी रिंगर सेटिंग्स दिखा देती हूँ। यहाँ से हम आएंगे रिंगर सेटिंग्स पर। यहाँ पर आप दो बटन्स देख पा रहे हैं, एक बैक का और एक सेलेक्ट का। रिंगर सेटिंग्स में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट प्रेस करना है। अब यहाँ पर आएगा रिंगर वॉल्यूम। अब हमें रिंगर वॉल्यूम में अगर अप डाउन करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम सेलेक्ट को प्रेस करेंगे, और यहाँ से जब हम इसको अप डाउन करेंगे, मैं अगर इसको डाउन कर रही हूँ तो ये माइनस हो रहा है, अप कर रही हूँ तो ये प्लस हो रहा है। आप सुन भी पा रहे होंगे कि वॉल्यूम इसकी कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। मैं दोबारा भी करके दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिंगर वॉल्यूम ऑफ। कभी कभार आपको लगता है कि अगर आप इसकी रिंगर को आप ऑफ भी करना चाहते हैं तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिंगर वॉल्यूम, मैंने सेट करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ रिंग टोन, किस तरीके से हम रिंग टोन को सेट कर सकते हैं। अगेन हम रिंग टोन पर जाकर सेलेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें अलग अलग तरीके की मेलोडीज़ हैं, आप देखो यहाँ पर। जैसे जैसे मैं इसको चेंज करती जाऊँगी, वैसे वैसे इसकी डिफरेंट डिफरेंट बेल्स ये शो करता जाएगा। अब जो भी आपको सेट करना है उस पर आप जाके, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्थ नंबर पे मेलोडी वन है, मैंने उसको सेव करना है, तो मैं सेलेक्ट वाले बटन से ही, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सेव कर दूँगी, तो ये रिंग टोन हमारी सेव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो हमारा था, सेट डेट एंड टाइम। सेट डेट एंड टाइम के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम, फिर हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे। अब हम डेट पे जाकर जो भी आज की डेट है, फॉर एग्जांपल आज 31 मई है, तो मैं यहाँ पर 31 मई को जाके सेट कर दूँगी। थर्टी फर्स्ट मई 2023 यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम टाइम सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी टाइम हुआ है 7 o'clock, तो अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर PM और AM
दो ऑप्शंस होती हैं, तो अगर हमें पीएम करना है तो पीएम ऑलरेडी हुआ हुआ है, और एएम करना है तो आप ये बटन देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस बटन से आप एएम और पीएम आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग करना है तो आप एएम कर लीजिए, अगर इवनिंग करना है तो आप इसको पीएम कर लीजिए। यहाँ से हम इसको एएम करेंगे, आप देख सकते हैं ये पीएम हो गया, यहाँ पर दोबारा प्रेस करूँगी तो एएम हो गया। अब शाम के 7 बज रहे हैं तो मैंने इसको 7 पीएम करके सेट कर दिया है। अब इसको सेव हम इस बटन से करेंगे जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। हमारा डेट एंड टाइम भी सेट हो गया है, रिंगर वॉल्यूम टोन भी सेट हो गई है, रिंग टोन, रिंगर वॉल्यूम एंड डेट एंड टाइम के बाद अब बारी आती है हमारी फ़ोन बुक की। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे थे वहाँ पर ही उसी बटन को हम प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है फ़ोन बुक, तो जब हम उसको प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा फ़ोन बुक नो आइटम स्टोर्ड, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई फ़ोन बुक है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट के बिल्कुल साथ में जो बटन है उससे हम इसको, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड का बटन आ रहा है, अगर मैं ऐड पे प्रेस करूँगी तो लिखा हुआ रहा है एंटर नेम। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अपना ही नंबर सेव करना है तो मैं यहाँ से अपना नाम लिखूँगी, यहाँ से जी ए आर आई एम ए, फॉर एग्जांपल मैंने नेम सेव कर लिया। अब मुझे नंबर सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब आ रहा है एंटर फ़ोन नंबर, अब मैं अपना नंबर डालूँगी यहाँ पर 8920589787। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ गलत यहाँ पर अगर सेलेक्ट हो जाता है या कोई आपको लगता है नंबर आपको इरेज़ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये इसको प्रेस करेंगे तो ये इरेज़ हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं यहाँ पे क्लियर का बटन दिया हुआ है, आप इसको अगर इरेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लियर पे प्रेस करेंगे तो ये फ़ोन नंबर आपका इरेज़ हो जाएगा। एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, कभी भी कोई मोबाइल नंबर अगर आप कॉर्डलेस में सेव करेंगे तो 0 लगा के सेव करना, सो दैट आपको कहीं भी कॉल करना हो तो ईजी हो जाता है। कॉर्डलेस में हमेशा 0 लगा के ही फ़ोन नंबर सेव होता है और कॉल भी तभी मिलती है। अब मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस करूँगी। अब वो पूछ रहा है एडिट करना है या सेव करना है, नंबर मेरा बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ से इसको सेव कर दूँगी। अब ये नंबर हमारा सेव हो चुका है, आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फ़ोन बुक 1 आइटम इसके अंदर ऑलरेडी आ गई है। इसी तरीके से आप और कुछ अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन बुक में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ फ़ोन बुक लिखा हुआ था, अब ये सर्च लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। रिंगर सेटिंग्स, डेट एंड टाइम, उसके बाद आता है डायल लॉक। डायल लॉक को सिलेक्ट करेंगे, अब वो पूछ रहा है एंटर पासवर्ड, आप कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड आप सेव कर सकते हो और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। पूछ रहा है टर्न डायल लॉक ऑन, तो हम इसको येस या नो, जो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, मैंने इसको येस कर दिया एज ऑफ नाउ। अब उसके बाद आता है हमारा इनिशियल सेटिंग्स, इनिशियल सेटिंग्स में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। वो पूछ रहा है एलसीडी कंट्रास्ट, अगर हमें जैसे हम अपने मोबाइल की ब्राइटनेस इंक्रीज और उसको डिक्रीज करते हैं, सेम इस तरीके से हम अपने कॉर्डलेस की भी ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको अगर हमें लो करते जाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम इसको हाई करते जाएंगे। अब जिस तरीके से हम इसको सेव करना है, जितनी ब्राइटनेस हमें चाहिए उस पे जाकर हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब आता है कीटोन, कीटोन भी हमें जितनी कई बारी लगता है कि साउंड थोड़ी इरिटेट कर रही है तो आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो और कम ज़्यादा भी कर सकते हो। सो हैंडसेट की डिटेल्स मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बेस। नॉर्मली क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मेरे लोगों ने पूछा कि अगर हमारा कॉर्डलेस घूम जाता है तो हम इसको कैसे ढूंढते हैं, मोबाइल पे तो बेल मारेंगे लेकिन इसको कैसे ढूंढ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगी तो हमारे कॉर्डलेस में बेल बज जाएगी, जैसे हम एक मोबाइल को मोबाइल से ढूंढते हैं उस तरीके से। लोकेटर आप जब प्रेस करेंगे तो ये बेल यहाँ पर बजेगी, और ये बेल तब तक बजती रहेगी जब तक हम यहाँ से इसको ऑफ़ नहीं करेंगे, हमें ऑफ़ का बटन दबाना होगा, और यहाँ से जब हम ऑफ़ कर देंगे तो ये फ़ोन कॉर्डलेस को भी पता चल जाएगा कि हमें ये हैंडसेट मिल चुका है। तो कभी अगर घर में कहीं आप कॉर्डलेस को रख के भूल जाओ तो आप परेशान मत होना, लोकेटर को प्रेस करना तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा। सो गाइज, मेरे हिसाब से मैंने आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कॉर्डलेस के बारे में, 3611 पर्टिकुलरली इसी मॉडल के बारे में। इनकेस आपको लगता है कुछ मेरे से रह गया या कुछ आप और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है अपने घर में, अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, और आप इसको बाय करना चाहते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ही फ़ोन उठाऊंगी, आपसे बात करूंगी। पैनासोनिक कॉर्डलेस में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सजेस्ट भी कर दूंगी कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है 3611, अगर आपको लगता है घर में कोई सीनियर सिटीज़न है और आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए या आपको स्पीकर फोन नहीं चाहिए या कुछ भी है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल दूंगी।
सो गाइस अब चलते हैं, जाने से पहले लेकिन एक छोटा सा काम कर देना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है, आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।